Hello friends and welcome back to another video from my YouTube channel, that is Vipin Sharma Biology Tutorials. And in this video we are going to talk about AIIMS GK practice series. तो हम दिन के कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर क्या करेंगे एम्स जीके के, जिससे कि आपको हेल्प होगी उस जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ड्यूरिंग एम्स एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, राइट? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री? सो दिस इज क्वाइट जनरल क्वेश्चन. सो द फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड. सो इस बात को आपको याद रखना है, दैट द फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड, नॉट न्यूटन, नॉट पाइथागोरस एंड नॉट केपलर. द फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव सेवा अवार्ड इज गिवन इन मेमोरी ऑफ. ऐसा कौन सा राजनेता है जिसकी याद में मानव सेवा अवार्ड दिया जाता है? सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नो. इंदिरा गांधी, नो. एपीजे अब्दुल कलाम सर, नो. राजीव गांधी इज द करेक्ट आंसर. सो मानव सेवा अवार्ड, ये आपको नाम याद रखना है, मानव सेवा अवार्ड इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ राजीव गांधी सर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पीपल रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत रत्न अवार्ड किन किन को मिला बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट? ओके, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन. डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे प्रेसिडेंट थे इंडिया के जिन्होंने रिसीव किया भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन होल्ड्स द प्राइड ऑफ बीटिंग द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्ड? एक ऐसा भी इंडियन है जिसने कंप्यूटर्स को बीट कर दिया था इन कैलकुलेशन. ये जो पर्टिकुलर चीज़ है फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत बहुत ज़्यादा वायरल, आजकल भी इस पे काफ़ी सारे पोस्ट आते हैं. एंड द नेम ऑफ विनर इज शकुंतला देवी. जाहिर सी बात है, इंसान के बस की बात नहीं है कंप्यूटर को बीट करना, शी मस्ट बी अ गॉड, राइट? देवी. सो शकुंतला देवी हैज वॉन द अवार्ड ऑफ बीटिंग द कंप्यूटर इन मैथमेटिकल विजार्ड. दिस इज ऑल्सो अ वेरी रिसेंट क्वेश्चन, सो मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. सो एंटोमोलॉजी इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड स्पेशली द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को कुछ और बोलते हैं, बर्ड्स की स्टडी भी कुछ और होती है, फॉसिल की स्टडीज भी नहीं. सो द आंसर इज इंसेक्ट्स, दैट इज एंटोमोलॉजी, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन प्लेयर जूड फेलिक्स इज पॉपुलर इन विच स्पोर्ट? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या रहता है प्लेयर्स और उनके कंट्रीब्यूशन किस पर्टिकुलर स्पोर्ट में है ये हमें याद नहीं रहते, बट वी हैव टू मेमोराइज देम. विराट कोहली, रोहित शर्मा, दीज आर क्वाइट कॉमन, क्योंकि हमें पता है दीज आर रिलेटेड टू क्रिकेट, बट जूड फेलिक्स इज रिलेटेड टू हॉकी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो विश्वनाथन आनंद अगर आता है तो चेस में आपको करना है, तो काफ़ी सारे मतलब कि जो नेशनल स्पोर्ट है उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो जूड फेलिक्स इज रिलेटेड टू हॉकी गेम, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ देम वॉज इंट्रोड्यूस बाय जेम्स वॉट? जेम्स वॉट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? इट इज द रोटरी स्टीम इंजन. स्टीम इंजन और स्टीम बोट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दैट ऑप्शन. हॉट एयर बैलून इज नॉट द राइट आंसर. टेलीफोन बाय ग्राहम बेल, वी नो वेरी वेल. सो रोटरी स्टीम इंजन इज द राइट आंसर, विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स वॉट. दिस इज द राइट आंसर, ओके? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स? यानी किन किन डिफरेंट फील्ड्स में नोबल प्राइज दिया जाता है? लिटरेचर ऑब्वियसली दिया जाता है, नोबल पीस प्राइज मलाला यूसुफ जई, इंडिया से भी नोबल पीस प्राइज मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी सर को. तो अगर क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, राइट? सो नोबल पीस प्राइज इज वन इन इंडिया बाय कैलाश सत्यार्थी सर. इकोनॉमिक्स में ऑब्वियसली मिलता है. मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इस बार मिला है जेफरी सी हॉल, रॉस बैश और डब्ल्यू यंग सर को, तीन लोगों ने शेयर किया था ये मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी प्राइज, विच मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, क्योंकि बिल्कुल रिसेंटली मिला है एंड वी आर द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न दिस क्वेश्चन. तो मेडिकल जो फिजियोलॉजी में जो इस बार प्राइज मिले हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है. केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में ऑब्वियसली मिलता है, देर इज अ नोबल लॉरिएट जिनको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में प्राइज मिला है, दैट इज मैरी क्यूरी. शी इज द ओनली वन टू होल्ड द नोबल प्राइज इन बोथ द यू नो डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस, दैट इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. सो द आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. हर डिसिप्लिन में जो है नोबल प्राइज मिलता है, चाहे वो पीस हो, लिटरेचर हो, इकोनॉमिक्स और फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन से लेकर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद सर ने कौन सी नहीं लिखी? गबन इज रिटन बाय हिम, गोदान इज रिटन बाय हिम, मानसरोवर इज रिटन बाय हिम. सो द आंसर इज गोइंग टू बी गाइड. ऑब्वियसली ही इज एन हिंदी नॉवलिस्ट, तो गाइड उन्होंने नहीं लिखी होगी. सो द आंसर इज गोइंग टू बी गाइड. ओके, गाइड नॉवल उन्होंने नहीं लिखी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय. वेरी इजी क्वेश्चन, वी नो वेरी वेल दैट मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड द रेडियम, और रेडियो एक्टिविटी का जो फेनोमेना था दैट इज डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी विच इज द हस्बैंड ऑफ मैरी क्यूरी, एंड बैक्वेरल विच इज देयर कॉमन फ्रेंड. सो काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं. आइंस्टीन ने क्या किया था, इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, काफ़ी सारे काम किए थे यहाँ पर. बेंजामिन फ्रैंकलिन है ऑप्शन में, गैलीलियो गैलीली है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी मैरी क्यूरी. ओके, सो ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे आने वाले टाइम में. ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मुझे आपका व्यू मिल जाए कि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है नहीं, जिससे कि मैं आगे अपना प्लान बनाऊँ अकॉर्डिंगली. सो इफ यू रियली लाइक दिस टेस्ट सीरीज, दिस वीडियो, देन प्लीज़ जो हिट लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपको ऐसी वीडियोज़ की जरूरत है या नहीं. अगर नहीं है देन वी विल मूव टुवर्ड द बायोलॉजी सेक्शन एंड वी विल डील विद द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. क्योंकि लेकिन बायोलॉजी आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने 350 से ज़्यादा वीडियो डाली हैं बायोलॉजी पे. सो इट्स टाइम टू फोकस ऑन जीके एज वेल एज असर्शन रीजन क्वेश्चंस. सो आप लोग अपने व्यूज़ हैं शेयर कर सकते हैं मेरे साथ ऑन कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड.